गयो। 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 Let's go, bro. सुना में आने का सिंपल सा एक गोल है प्यार के साथ गेम जीतनी है मेरे साथ पांच और लड़के थे बट मेरे को कोई परवाह नहीं होती गेम जीतने के लिए दिमाग चाहिए जो कि मेरे पास काफी है Hi guys, नाम दिग्विजय सिंह राठी है जिसकी बातों से ही लोग जाते हैं रिसेंटली आई डेड रोडीज वहां पे मैंने बहुत से लोगों का दिल जीता एंड नाउ आई एम हियर इन 15 एंड मजे की बात पता है क्या ये तो शोई दिल जीतने मुझे लगा पूल के पास गर्ल्स होंगे बट मैं देखता हूँ वहां पे गर्ल्स नहीं वहां पे फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे मेरे को लगा यार पूल पार्टी चल रही है फ्रेम्स का क्या काम है सो आई थॉट कुछ तो ट्विस्ट होने वाला है जिस लड़की की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है उसकी लाइफ में ये वाला लक्ष्य नहीं है। Hey guys, my name is Lakshay Gaur and I run my own business. मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मेरे को कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरी तरह एम्बिश फोकस्ड हो <laughs> बड़ी है जान। मैं कहीं लप्पू नहीं जाता मेरी जिंदगी से ना पहले भी रोडीज में बीच में शायरिया वायरिया करके घुमा फिरा के चीजें उल्टी फुल्टी कुछ ना कुछ करता रहता है यहाँ भी पहुंच गया है सचिन शर्मा डांसिंग स्टार रिलेशनशिप में कोई क्लोजर ही नहीं मिला इसलिए मैं शो पर आ रहा हूँ मेरे दिल के सारे दरवाजे खोलने और अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए

उन्नति में वो तो काफी सुंदर लगती है मैं कहा भाई इससे तो बात करनी पड़ेगी हेलो एवरीवन मेरा नाम है उन्नति तोमर पास को मैंने पता नहीं कितने रेड फ्लैग्स को डेट किया है और गाइस कैसे एक्साइटमेंट हो रही है excitement और गर्ल्स से मिलने की हाँ। हाँ। नहीं ऐसे मुझे लगता है तुम दो काफी हो हाँ मुझे भी लग रहा है <laughs> नहीं मेरे लिए एक काफी है पहले दो उन्नति को थोड़ा सा साइड ले जाता हूं कि ये पाँच जो लड़के हैं अपना देखे उन्नति बढ़िया लग रही है अभी देखने में, मैं पहले बात देख में, को में ले गया मैंने बोला यार ये, ये लड़का हरामी है। मैं अच्छी लड़की ना होना है मेरा। ओ, नायरा। पेशे से ऑनट्रोप्रिन हूँ तो इस बार आई हूँ अपने दिल को एक ताले में बंद करके और उसकी चाबी कहीं छुपा के ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा इंसान जो मेहनत करे उस चाबी को ढूंढने में आईधर I'll I'll be be the 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 villain of of villa villa. or I'll be the queen of the villa. There is no in between. <laughs> so, happy happy to see you Same I was pretty happy known face आ जिसे मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर सकता हूँ साथ ही मैं देखता हूँ रूरू गुरू उसकी ड्रेस कुछ अलग ही होती है इतने सारे tattoos उसकी बॉडी में So like a एक साइड बहुत ही स्वीट है, but दूसरा साइड मेरा बहुत ही टेंजरस। लाइफ में जितने भी लड़के आए हैं, उन्होंने है सिर्फ खतरनाक रूरो को देखा है। I want कि कोई प्यार से मुझसे बात करे, मैं भी प्यार से बात करूं, you know? Cute temple रूरो। Hi. Hi Sachin. Till Sachin! Oh ho ho, धो के बाद फिर से मिल गया। अरे अरे, मुझे कुछ फ्लैशमेक्स आ

एक और इंसान है यहाँ पे जिसकी तरफ मैं थोड़ा देख सकता हूँ right, क्या पता आगे मैच बन जाए और मैंने बहुत ही अच्छा डांस किया भाई एक तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं डांस नहीं कर रही थी वहाँ पर वो मुझे डांस करवा रहा था सचिन लगा हुआ उन्नति के साथ मस्त डांस वास्ट मैं भाई ये फिर बीच में में आ गया है आकृति के साथ इसने गड़बड़ कर दी थी इस बार कहीं उन्नति के साथ कोई गड़बड़ ना कर दे इतनी देर में वेट कर रहा होता हूँ कि दो और लड़कियां एंटर करेंगी क्योंकि पहले दो आई फिर दो आई मेरी नजर होती है कि कब आएंगी कब आएंगी बट वहां से कोई आता ही नहीं है बहुत देर निकल जाती है लाइक तो कि भाई ये क्या रेशो बन रही है छह लड़के और चार लड़कियां ऐसा तो कभी नहीं होता स्प्लिट्स वाला में और मैं चारों तरफ नजर घुमा के देखता हूं तो मुझे कहीं से लगा बोर्ड नहीं नजर आता है तो को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे बाय oh मैं थोड़ा शौक हो जाता हूँ कि यार उर्फी सनी मैम नहीं है उर्फी एंटर कर रही है मतलब ये हो क्या रहा है हम लोगों के साथ एग्जैक्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है क्योंकि सनी नहीं आई है यहाँ पे ये तो मिस्टिफ मेकर है लास्ट टाइम भी इसने बहुत गड़बड़ मचाई थी

हर बार तुम दोनों को सेम लड़की क्यों पसंद आती है अच्छा <laughs> <laughs> हाँ? oh. पहले भी हो चुका है उसे तीन एक से आ एक समथिंग दे दे वर इन सेम गर्ल हाँ उस टाइम पे यू लाइक द सेम गर्ल आई सीरियस हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन तुम बताओ हाय आई एम नायरा

I love cosplay by the way. Do you? मैं बहुत ज़्यादा inspired रहती हूँ. You can, I can see, see, I can see. I can see. Outfits. Right, outfits, I can see. मुझे बहुत पसंद है cosplays और ऐसा get up करना, make up करना. It's just you know, it makes you feel something. It makes you feel beautiful. अच्छा guys, बहुत हो गए सवाल जवाब. Now it's time for something special. 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 What? Let's go. मैं आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा लास्ट सीजन oh, देखा था oh, ना जी oh, yes, yes, yes. तो मैं आप सबको देने वाली हूं इस सीजन का पहला नायाब तोहफा गिफ्ट एवरीवन लाइक्स गिफ्ट्स यार। मुझे लगा कि यार तोहफे में और लड़के तो नहीं आने वाले बिकॉज मुझे और ऑप्शंस चाहिए थे जैसा कि आप सबको पता है मैं हूं आपकी मिशिफ मेकर तो अब मेरे गिफ्ट तो ट्विस्टेड होंगे ही होंगे ये रहे आपके दस के दस गिफ्ट so आप सब, के सब इतने हॉट और सिजलिंग हो एंड आई थिंक आप सबको पता ही है कि मुझे ना आग लगाना बहुत, 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 बहुत ज्यादा अच्छा पसंद है।, है बहुत आई लव इट इट्स माई फेवरेट हॉबी तो इन गिफ्ट को आप रिवील करोगे

सबकी शक्लें माँ उतर गई थी आई वॉज लाइक वॉट सारे लोगों का एक्स विला होने वाला है या हम ही एक्सेस होने वाले हैं वेलकम टू एक्साइल वेर यू विल गेट फ्रंट रो सी टू सी योर एक्सेस स्पाइसिंग क्या ये विला का पार्ट है या हम कहीं और के लिए निकले थे और कहीं और लैंड हो गए यार उनसे मूव ऑन करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं और यहीं पे एक्स ले मेरे दिमाग की तो सारी बत्तियां उड़ गई कि भाई मैं विला में एक फ्रेश स्टार्ट करने आई थी लक्ष्य तुमसे थोड़ी सी बात रह गई थी अच्छा एक बात ऑनेस्टली बताओ जी उम्मीस आई डू

यार मैं एक्चुअली सोच नहीं पा रही हूँ कौन बिकॉज मेरा हीलिंग जर्नी चल रहा है और बहुत पुराने रिलेशनशिप्स रहे हैं तो आई डोंट नो कौन से कहाँ से एक्स आने वाला है चलो जाओ अब मुझे देखना है कहाँ से कौन आ रहा है चलो मैं जब जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि बस मुझे शक्ल दिख गई ना किसी गलत इंसान की वही मैं फोटो फ्रेम उठा कर पानी में फेंक दूंगी थ्री टू वन गो बस हो गया हो गया बहन हो गया अरे बाप रे तो नायरा कुछ बताइए मेरे गिफ्ट के बारे में यार इम्पोर्टेंस नहीं देनी मेरे को उसको इतनी थूकी च्विंगा मैं च्विंगम को थूकने के बाद कौन देखता है दोबारा ओह oh. ओ मेरे पैर में आएगी मैं चप्पल ही फेंक दूंगी यार <laughs> फिर से वही ट्रॉमा फिर से वही गुस्सा आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड कि यार यहाँ पर भी नहीं शिवेत प्लीज गो अवे फ्रॉम माय लाइफ फॉर वन्स सो बेसिकली स्टार्टस ऑफ रोडिज में हुआ था

तो जब आ, मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी शो में hmm. और वो नायरा के साथ जो भी उसका लालू पच्चू चप्पू जो भी था वो hmm. तो मुझे पता चला कि hmm. था तो मैं नहीं गई उसके पास hmm. क्योंकि मुझे जब पता चला नायरा वाला तो मेरे को गुस्सा आया मैंने कहा यार ये कैसा बंदा है hmm. तो या सो ये था उसके बाद hmm. शो, शो से, के बाद शो के बाद आउट ऑफ नो वेर उसने लाइव आया उसने बोला कि मैं बताता हूँ चार्ट्स लीक करता हूँ नॉर्मल बात होगी ऑफ़ कोर्स तुम सिंगल हो मैं सिंगल हो नॉर्मल बात होगी हमारी और इसकी तुम धमकी क्या दे रहे हो लाइफ में आके तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा एंड सडनली आप बाहर इंटरव्यूज में ये बोलते हो कि ये बंदी मेरे पीछे पड़ी थी मुझे टॉर्चर करती थी लोगों को आप बोल रहे हो और आपके मतलब मुझे लगता है कि बी अ मैन बी अड है ये आई लाइक दैट पर्सन बट आई डो नॉट लाइक हर एनी मोर राधा दिन सिंह कि नहीं नहीं मेरी तरफ से तो कुछ था ही नहीं तो मेरे लिए वो थोड़ा ये हो गया था कि यार मेरी इमेज को खराब करना हो मुझे बहुत गलत लगा हमारा बहुत अगली लेवल पर चला गया था चीजें क्स्ट सो रू रू अच्छा बताओ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बस कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस ना निकले आई एम होपिंग टू लेट्स इट इज नॉट माई एक्स He's not my ex. मैं इस बंदे से सिर्फ दो बार मिली हूँ एंड बहुत चूती आएगी थूकी <laughs> भी, चुविंगम भी नहीं है ये <laughs> ये सबके थूकी हुई चिंगम यही आ रहे हैं ये नहीं है थूकी <laughs> हुई भी, भी नहीं है ये क्या चल रहा है दिमाग में इसको देख के गुस्सा गुस्सा यस आई डोंट लाइक हिम ही इज ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरीवेयर डिड ही डू समथिंग या बीइंग वेरी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं था Uh, online we met and, uh, and then, uh, okay, so we had a thing. I'm oh, not you gonna had write. a thing. Yeah, we did kiss. But, us uh, is I think he's 19 now. He can't be more than that. He lied that. to you about his age. He lied to me about his age. He said I'm in college mein and then on a group chat, This guy mentioned I These these were the the words. words And And I'm so sorry, but uh, that never happened. And even if you you know these are not the words you use. वो बच्चा है चूतिया है, है। <laughs> बच्चा है तो अपने एज की ढूंढे अच्छा अगर रूरू वो सामने आ गया तो क्या करोगे? मैं उसको क्या क्या याद दिलाऊंगी ना उसको पता भी नहीं अभी। <laughs> And I swear to God, if I was not on this show, मैं इसके रख के रेप्टा मारूंगा। If he's sorry, he was young, I'll forgive him. If he's not sorry, I'm so sorry, मैं इसकी माँ की आंख करूंगी। Hmm. अभी हम जाते हैं। देख रहे थे। Ready? <laughs>

टॉक्सिक लेकिन क्या था टॉक्सिक लड़ाई वगैरह काफी होनी मतलब मैं अगर जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा प्रॉपर कोई कमिटमेंट वाला सीन कभी हुआ नहीं था तो आई यूज्ड टू हैंग अराउंड विद अदर गर्ल्स उस चीज से उसको प्रॉब्लम होती थी वो हर्ट होती थी तो कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता था कि मेरी वजह से वो हर्ट हो रही है बट आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग कि नहीं होगा अब सीन तो नहीं नेक्स्ट ला। किसको एक्सपेक्ट कर रही हो अरे किसको एक्सपेक्ट कर रही हो बता सकती तो। तो है <laughs>

तो मैं घर वापस गई थी एंड देन यू नो ही पोस्टेड अ पिक्चर स्टोरी पे सब लोग कह रहे थे सो wow, स्वीट so तुम्हारा पोस्ट किया है ऐसा ऐसा मैंने किया हाँ मैं जाके देखा आई वॉज ब्लॉक मैंने भैया के फोन से मैंने लाइक स्टॉक किया तो आई अ पिक्चर वहां पे एक लड़की थी वो लुक लाइक मी ओनली बट उसका फेस कवर्ड था इन अ वॉशरूम ही वॉज होल्डिंग

तो फिर मैंने अनोन नंबर से कॉल किया आई जस्ट हि सोया क्या तुम सेड यस एंड साइड में लड़की बात कर रहा है वो ही लड़की तो मेरे को आई से एनी थिंग आई जस्ट क्राइड वॉट टू डू क्राइड आई कैंट डू एन थिंग बट आई स्टिल डू लव इन

बहुत ज्यादा आई नो वट मीन तो आप बताओ मुझे डीडी क्रॉस दैट लाइन विद यू डी आई बिन इन आई सू ए गर्ल आई बिन इन दैट प्लेस आई सी माई सेल्फ इन यू आईव बिन दब टाइम आएगा आई टेल इट

सबके एक्सेस रिवील हो ही रहे हैं और जब मेरी बारी आ रही थी मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था सचिन क्या सचिन तो को ऐसा <laughs> एक सेकंड एक सेकंड एक नाम गेस्ट करके बताओ आई गेस होम चलो कौन है आकृति ओह <laughs> जैसे ही मैंने आकृति का फोटो देखा मैं थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था क्योंकि अब बहुत टाइम से बात नहीं हुई है उससे तो थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग थी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मैं क्या रिएक्ट करूं इस सिचुएशन पे क्या चल रहा है तुम्हारे आकृति के साथ मैं आ, बहुत अच्छे जोन में था और हम लोग यू नो वी वर ट्रैवलिंग एवरीवेयर हम लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे आफ्टर रोडीज एंड बहुत सारी चीजें हो रही थी अच्छी पर उसको मेरे पास से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि यू you नो know, मेरे बहुत मेरी बहुत फीमेल फ्रेंड्स हैं मीन आई एम अराउंड तो को दोस्तों की तरीके से देखता हूँ right. तो uh, और मैंने बहुत समझाया भी उसको उन सब चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा बट वो देखो मुझे लगता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना

अच्छा उसने ब्रेकअप किया तुमने ब्रेकअप किया क्या हुआ उसने ही ये स्टेप लिया अभी कैसे मतलब क्या दिक्कत थी पास को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको और मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी मतलब शी शी डिड लाइक योर फ्रेंड्स दैट्स इट मे बी उसने कुछ देख लिया था इसके रिलेटेड किसी और प्रॉब्लम लड़की के साथ क्या 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 देख लिया था बिल्कुल तो गेस कहीं उसने फिगर आउट कर ली थी उसे कुछ पता लगा था बाहर से उस वजह से, तक मुझे, सुनने मुझे, में से. पर मुझे समझ नहीं आ रहा है वो बात पता है कि वो घर छोड़ के निकल गई थी ऐसा ऐसा सीन हो गया था मुझे कहीं से सुनने में आया था वही बस वही पास को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसको और मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी बट मैं एक बात डंके की चोट पे बोलता हूं मैं जब आकृति के साथ था तो मैं आकृति के साथ था और इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देनी किसी चीज को लेकर बट मेरा कुछ सिनेरियो नहीं था उसके साथ आपको नायरा, मुझे पता तो चला था कि आकृति को प्रॉब्लम थी इसकी फीमेल फ्रेंड से <laughs> जब शो पे थे रोडीज में और मुझे नहीं पता रोडीज में इनका स्टार्ट हुआ था बट उसकी भी हिस्ट्री रही है लाइक शिवे जोगिंदर तो आई थिंक अगर सिर्फ फ्रेंडशिप की बात है तो yes. yeah, इसका एक होगा उधर चार थे तो क्योंकि yes. उन्नति <laughs> <laughs> Who are you expecting? I guess अद्वित में नोचा आई गैस चलो let's see देखते हैं कि आप सही हैं या गलत Told you <laughs> 왜? तो भी बताओ स्टोरी क्या है कैसे मिले थे एक शो पे मिले थे आई गेस उसका मेन फोकस गेम पे था ही वॉज अ गेम बट ऑफकोर्स वो एक एंटरटेनमेंट शो भी था शायद मैं कनेक्ट हो गई थी थोड़ा सा एंड उस वो सिर्फ एंजॉय कर रहा था कि वो टेंशन मिल रही है एंड एवरीथिंग तो आई थिंक इसलिए वो मेरे साथ था ऐसा you और कुछ

दिव्यांश। सबका धीरे धीरे एक एक बार करके नंबर आया तो सबका मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ही अजीब माइंड हो गया उस समय मतलब कि यार शेट ये क्या हो गया बट कि मुझे मेरे लास्ट रिलेशनशिप के लिए एक चांस मिल गया है कि यार शायद मैं वो वापस ला पाऊँ या वापस हमारी बॉन्डिंग सेम हो पाए

लाइक like, इसकी फैमिली को ऐसा था कि जल्दी से शादी कर लो ये कर लो वो कर लो बट एट द एज ऑफ ट्वेंटी में कुछ भी नहीं था तो एट दैट टाइम मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता तो उसकी कैसे लूंगा एटलीस्ट अगर इन फ्यूचर मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है कि भाई मैं मुझे नहीं रहना तो मैं इसको कहाँ रखूंगा सर पे तो इसके पेरेंट्स ने बोला कि, कि अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो हम इसको किसी और के साथ करवा देंगे लाइक like दैट

वही है थोड़ा सा मैं ना कंफ्यूज हो गई हूँ हाँ बोलो तुम्हारी एक्स है पर तुम उसके एक्स नहीं हो हाँ मेरे बाद वो रिलेशन में थी बंदा था एम, उसके साथ वो थी आठ घंटे थी आठ घंटे फोन नहीं उठाया ना और वो लड़का स्टोरी डाल रहा था ना लव बाइट की तो भाई मेरी तो जली गंदी वाली ना तो उसने आते ना जस्टिफिकेशन दे दिया कि ना पता है आया हुआ था मैं तो बोर हो गई थी किसी बातें कर रहा था मैं मगर आठ घंटे किसी बोरिंग इंसान के साथ तो नहीं बिता सकते हम मन तो करता है उसके साथ रहूं लेकिन पता है गलत है वो फायदा नहीं ना थूक के नहीं चाटा करता राजा वो अपने रास्ते राजा अपने रास्ते मुझे बिल्कुल बोरिंग पसंद नहीं है कुछ चीजें तो मैं कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ करती रहती हूं मैं अभी बोरिंग नहीं हूं बिल्कुल <laughs> नहीं मुझे तो तुम्हारे में इतनी सारी चीजें हैं ये से मेरा भी ऐसा है आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मुंह पे बोल दे आज पीछे छुपाने वाली बात नहीं है मेरा नेचर नहीं है वो तो आज की शाम में ड्रामा था नाच गाना था आंसू थे हंसी थी आई नो

इतने सारे ड्रामा के बाद और इतनी सारी नेगेटिव चीजों के बाद एक बात जो उर्फी पॉजिटिव बोलती है वो ये होती है कि यू आर वन स्टेप क्लोजर टू विला जिसको सुन के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ठीक है एक स्टेप है अब उससे कैसे ना कैसे पार करके सीधा स्प्ड्सि में पहुँचना है मेरा पहला चॉइस हो हां हां अच्छा ओके हां तो मैं फुल बोला चाहिए आपके अपने लिए नारें नारें। mm. नारें। नारें। चार। चार। तो, तो, तो <laughs> मेरे पास फुल ही नहीं था देने के लिए क्या करो नेक्स्ट टाइम दे दूंगा नेक्स्ट टाइम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन आई नीड समवन टू लव मी ऑनेस्टली एंड आई नीड समवन टू टेक अ स्टैंड फॉर मी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड मेरे को I don't want to change तू भी very पता है मैंने ये यही बात बोली कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं कि मैं तुझे बोलूंगा मैं तेरे लिए चांद लाऊंगा या सितारे लाऊंगा मेरे को हाँ। मेरे को चाहिए भी नहीं मेरे को ये हवाबाजी करनी नहीं आती नहीं है मगर मैं तुझे बता रहा हूं अगर इनमें से किसी ने तेरे से कुछ नाटक किया ना hmm. तो मैं खड़ा रहूंगा तेरे लिए यू हैव ऑल द बैंड्स तुम डिसाइड करो तुम भी डिसाइड करो तुम एक्सप्लोर कर रही हो मैं नहीं कर रही हूं तुम बता मतलब मेरे लिए लिटरली सबकी शक्लें देखो इधर ही करना किसको इधर दैट्स माय गुड अब तो मतलब साथ में ही खेलेंगे और साथ में ही जीतेंगे Obviously, क्योंकि मैंने uh, हर्ष को अपना फर्स्ट बैंड दिया और मैंने जेस्टर भी किया कि मैं अपना दूसरा बैंड भी उसको देना चाहूंगी पर मुझे थोड़ा इफी लगा थोड़ा बिट और लगा कि वो

मैंने भी बोला कि मुझे सबको एक्सप्लोर करना तो मैंने उनको बैन नहीं दिया है मुझे सबको एक्सप्लोर करना है आ, तो यार भड़क जाता है इंसान नहीं तुम लोग बहुत उत्सुक होगी ये जानने के लिए क्या गुल खिला रहे हैं There There was 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 a a love love angle. angle. It was not friendship. पता है, पता okay. audience को. तेरा बंदा, बंदी पागल है क्या I literally thought he will feel guilty about it. फिल तोड़ दिया उसने हम फोन नहीं तोड़ सकते क्या फिर मिलूंगी ना इसके मुंह पे ताली बचाने का मन कर रहा है तो फिलहाल this आप जब हम बैठे थे जब तुमने आईडी को बैन दिया तभी यू नो आई वाज लाइक यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी डिडंट यू सी मी व्हेन आई सेड यार ये सुन के मुझे तुमको एग्रेसिव पसंद है ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो लाइक आई वाज लाइक मैं अपना हाथ ऊपर कर रहा था कि आई वाज होपिंग अच्छा अभी इसने मना कर दिया है नाउ आई एम श्योर शी इज नॉट बिकॉज़ तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी नहीं देता आई लाइक दैट मूव ऑल्सो की नहीं अब तो मैं नहीं दूंगी क्यों हाँ, दूं भाई पिटी वाला वो नहीं करने की जरूरत तो पीट देती <laughs> उसको <laughs> पर मैं क्यों दूं पर ठीक है फिर मैंने सोचा कि 19 नहीं बट दैट्स व्हेन आई वाज आई अंडरस्टैंड बॉयज वैसे भी ज्यादा इमैच्योर होते हैं हां हाउ आई ये ना जेंग्स मत करो मेरे से आई एम 25 हाउ ओल्ड आर यू 21

तो अभी बताओ मुझे क्या है सी उसी का थी ऐसे चिल मूड में में चाचा की लौंडी लगती मतलब है जो विला में और एक तरफ कनेक्शन जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फ्रेंड जिसके साथ भी रहे मैं उसके साथ कोई भी दुश्मनी मोल लूं बट थिंग गुड कि वो खुद से उसने इनिशिएट किया कि

तो मेरा मैं बताती हूँ मेरा बेसिक से सीन ये था कि जो भी मुझे शो में बताया गया कि तुमने ऐसा बोला है कि आकृति ऐसी ऐसी लड़की है भाई मेरे से बात किया तुमसे बात करिए तो वो मुझे जो कुछ मुझे बता समीन मियन है वो अब मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था

नायरा ने भी आके बाद में ये बोला कि भाई आकृति तूने मुझे क्यों नहीं बताया क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा तुमसे लेके वही तो मैं कह रही कुछ था ही नहीं तो वही सारी चीजें ऐसा पाइलप होके बहुत अलग चीजों में निकल गया तो वी सॉर्टेड आउट उसके कुछ लोगों ने कान भरे थे मुझे कुछ और पता चला था तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट वॉज कि हम दोनों की कोई लड़ाई नहीं थी ये जो दूसरे कान भरते हैं इन्होंने लड़ाई करवाई थी मुझे अच्छा लग रहा था कनेक्शन है उससे अब मेरा as such कोई दुश्मनी नहीं है। And if अगर वो आगे जाके कुछ भी ऐसा करता है तो of course मैं छोडूंगी नहीं। But yeah, let's see आगे क्या होता है। फर्स्ट मॉर्निंग इन स्प्रिट सॉरी Yeah, एकदम से माँ हमें आवाज आई किसी चीज की और हम भागते हुए एक्टिविटी एरिया में गए और हमने देखा कि एक स्क्रीन लगी हुई है और सबके एक सिटिंग एरिया है हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि कोई है भी नहीं ये क्या हो रहा है हेलो स्विट्जरलैंड्स के एक्स नहीं लोग कि तुम लोग बहुत उत्सुक हो गए जानने के लिए कि तुम्हारे एक्सेस स्पिट्सविला में क्या-क्या गुल खिला रहे तो बस इस सस्पेंस को यहीं एंड कर देते हैं शार्पन योर क्लॉज़ ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड एंजॉय एंटिल देन विल यू मी प्लीज फिर से कुछ और आने वाला है यार देख से तो हम रिकवर नहीं कर पाए अभी दूसरा कुछ और री एक्साइटेड टू सी वहां पर exactly है क्या और सुट कैसा दिखता है वहाँ पे किस टाइप की चीजें चल रही है कि हमारे एक्सेस वहाँ क्या कर रहे हैं क्या गोल गिला रहे हैं